मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो आप उससे पीड़ित रहते हैं, आप उससे परेशान रहते हैं, आपको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, मन में भय है, मन में तनाव है, मन में स्ट्रेस है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जानते सब कुछ हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आदमी अपने काम के लिए जाता है लेकिन मन में भय रहता है। इंटरव्यू देने के लिए जाता है बच्चा, आता सब कुछ है लेकिन इंटरव्यू की जो टीम होती है उसके सामने बोल नहीं पाता। आप मंच पर खड़ा होते हैं, स्पीच देने के लिए खड़ा होते हैं लेकिन वहां पर आपके पैर कांपते हैं। जो आपको आता है वो बोल नहीं पाते और लगातार मन में भय रहता है। ऐसे लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूं कहीं मुझे डर ना लगे। मति भ्रमित और मन में भय रहना, जी हां, ये राहु के कारण होता है। इसलिए जब आपके ऊपर राहु की महादशा चलती है और जब राहु की अंतर्दशा चलती है तो उस टाइम मन में इतना भय पैदा हो जाता है कि अगर आपके मोबाइल के ऊपर, जैसे ये एक मोबाइल है, इसके ऊपर अगर किसी की बैल आ गई तो आपको उठाने में डर लगेगा। ऐसे लगेगा किसका आ गया। घर में किसी ने घंटी बजा दी तो आपको घंटी को सुनने के बाद गेट खोलने में डर लगेगा। गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त ये लगेगा कहीं ये गाड़ी लग ना जाए। आप कोई भी काम करते हैं भय के साए में रहते हैं लगातार, और ये होता है राहु की महादशा के कारण। राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा जब आती है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बनती है। उसका आज हम आपको उपाय बताएंगे, एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आप इसे निजात पा जाएं। क्योंकि ये 18 साल की महादशा होती है और राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा ये करीब 3 साल की होती है। चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा बहुत तनाव देता है। बुध में राहु, राहु में बुध बड़ा तनाव देता है। यह एक ऐसा पीरियड होता है कि जिस टाइम मन में फियर पैदा होता है, मन में डर लगा रहता है। अब इसका तो ऊपर से नेटवर्क फेल है, राहु एक छाया ग्रह है। जब इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर आता है तो मन हमारा डामाडोल होना शुरू हो जाता है, हमारे मन में वेव्स आती रहती हैं, मन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। मन को अगर मजबूत कर दिया जाए तो अच्छा हो सकता है। आपका जो ऑरा होता है वो ऑरा डिस्टर्ब होता है इसके कारण। अगर हम ऑरा ठीक कर दें तो भी कुछ ठीक हो सकता है। कोई भी ग्रह जब हमारे ऊपर महादशा मंत्र दशा में चलता है तो सबसे पहले वो हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करता है। ऑरा के द्वारा हमारा मन डिस्टर्ब होता है, मन डिस्टर्ब होते हमारी इंद्रियां डिस्टर्ब होती हैं, इंद्रियां डिस्टर्ब होते ही हमारी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि अगर आप इस दशा से पीड़ित हैं और आपको लगातार ऐसा फील होता है कि हम परेशान हो रहे हैं, हम दिक्कत में हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, बुध में राहु, राहु में बुध, ये कुछ ऐसी दशाएं महादशाएं होती हैं जहां मन में फेर पैदा होता है। अब हम ऑरा को ठीक करेंगे, हम मन को ठीक करेंगे। राहु इस उपाय से क्यों डरता है, ये जो उपाय है मैं आपको बताऊंगा। आपको एक नारियल लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है उसको ले लीजिएगा। ये उपाय आपको दिन छिपने के बाद करना है, कभी भी सोने से पहले करना है। क्योंकि राहु और केतु, कुजीवत केतु शनिवत राहु, राहु और केतु का एक जैसा ही, राहु और शनि का एक जैसा ही प्रभाव होता है और कुजीवत केतु, मंगल और केतु का एक जैसा प्रभाव होता है, शनिवत राहु, शनि और राहु का एक जैसा होता है। यहां पर आपको एक नीले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े को, जैसे कि आप स्क्रीन देख रहे हैं मेरे पीछे, भगवान कृष्ण के पीछे जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है, इस तरह का कपड़ा लेना है आपको। और ये कपड़ा लेकर के उस जटा वाले नारियल के ऊपर इसको लपेटना है।
इसके अंदर कपूर की टिक्कियां रखनी है। अब इसके अंदर आप 5, 7, 11 कपूर की टिक्की रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो 11 रख सकते हैं, नहीं तो 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और एक चक्कर और लगा लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये शनिवार को मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, या आपको ऐसा फील होता है मुझे सोमवार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो आप जैसे अभी दिन छिप गया, दिन छिपने के बाद आप सीधे लेट जाएं और सिर से लेकर के इस तरीके से जहां तक आपका हाथ जाता है वहां तक ऐसे ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम। आपने देखा कि मेरे को जमाई आ गई, पूरे दिन की थकान है, सिर्फ मेरे हाथ चार्ज हैं, मेरे जो हाथ हैं योगिक हाथ हैं, इनमें एनर्जी भरी रहती है। मैंने अपने शरीर के ऊपर से सिर्फ 4 बार ऐसे किया है और 4 बार में मेरे शरीर से जमाई निकली। जमाई मीन्स आलस निकलना शुरू हो गया और जो मेरा ऑरा था वो साफ होना शुरू हो गया। लोग मेरे से पूछते हैं, गुरुजी आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप लगातार इतना वर्क करते, इतनी मेहनत करते और फिर भी तरोताजा रहते हैं। सिर्फ ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने का एक सिद्धांत आता है, वो हम आपको अपने आश्रम में सिखाएंगे। आश्रम हमारा चालू है, उस आश्रम में 7 दिन के कोर्स रहेंगे ज्योतिष के, और उस आश्रम में ही 7 दिन के लिए पूजा पाठ सिखाएंगे, उस आश्रम में मेडिटेशन सिखाएंगे, उस आश्रम में योगा और योग सिखाएंगे। योगा मींस फिजिकल फिटनेस और योग मींस मन और आत्मा को, मन और प्राणों को लिंक करना और ध्यान और समाधि में जाना, वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो मैंने कहा इस तरीके से आपको 41 बार करना है, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः, ओम राम रहावे नमः। अब देखिए मैं 4 बार से ज्यादा नहीं कर पाता, फिर जमाई मुझे आ गई। आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट में क्रियाएं कर रहा हूं और क्रिया मेरे से नहीं हो पा रही है। इसका मतलब मेरी जो बॉडी है सिर्फ 4 बार करने पर ही मुझे जमाई आती है और मैं तरोताजा फील करना शुरू कर देता हूं और फिर मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। तो मेरे ऊपर जो बुरे ग्रह का प्रभाव है वो साफ होता है। आपको 41 बार इसी प्रकार से करना है और करने के बाद एक प्लेट ले लीजिएगा, उस प्लेट के अंदर उसको खोल लो, खोलने के बाद नारियल को दूसरी जगह पर रख दो और कपूर की टिक्की को ले लो, उनमें आग लगा दो और उसके ऊपर वो नीला कपड़ा जला दो, उसको जला दीजिएगा। और जो नारियल है उसको आप मंदिर में दान दे सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, या जंगल में कहीं पर भी आप झाड़ियों में उसको फेंक सकते हैं, या बहता हुआ कहीं नज़दीक पानी है तो आप उस पानी में भी जा करके उसको बहा सकते हैं, या जमीन में उसको दबा सकते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो नारियल होता है उसके अंदर पानी होता है और पानी हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो तरंगे होती हैं, ऑरा जो होता है उसको साफ करता है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे ऊपर ज्वर बुखार कुछ आता है तो हम पानी और बर्फ के अंदर रख देते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसका ताप क्रम डाउन आ जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट तरंगें काफी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ये काम अगर करते हैं, हर शनिवार को आपको करना चाहिए, तो आपका राहु का प्रभाव, मन में बह रहना, तनाव रहना, सब ठीक हो जाएगा और आप बहुत बोल्ड हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन है, आपको एकांत प्रिय है, अंधेरा है, डर लगता है, घर से बाहर नहीं निकल पाते, पढ़ाई छोड़ दी है, जॉब नहीं जाते हो, तो उस कंडीशन में आप डेली शाम को इसको कर सकते हो। अगर और बहुत ज्यादा तकलीफ है, मेडिकल दवाइयां चल रही, तो सुबह और शाम कर सकते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद। क्योंकि जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्य बलवान हो जाता है, जब सूर्य बलवान हो जाता है तो शनि का जो प्रकोप है ऑटोमेटिकली कम होता है। शनि का और राहु का प्रकोप हमेशा शाम को दिन छिपने के बाद बढ़ना शुरू होता है। तो मित्रों ये था राहु का एक उपाय जिसके करने से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।